आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के मॉरिशस के दौरे के बाद आज लखनऊ पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधा रायबरेली के ऊंचाहार में एनटीपीसी बॉयलर ब्लास्ट में घायलों का हाल जानने के लिए पहले पीजीआई पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मिलकर उनका हालचाल लिया। पीजीआई के निदेशक राकेश कपूर ने उन्हें मरीजों की पूरी स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टरों को कहा घायलों के इलाज में कोई कमी न बरती जाए और ये हिदायत भी दी। इसके बाद सीएम सीधे सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों के रिश्तेदारों से भी मुलाकात की एवं उन्हें सांत्वना भी दी। बाकी पीजीआई में मैं देख के आया हूँ, अभी यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है, क्या व्यवस्थाएं की गई है और इसके अलावा केजी कुछ पेशेंट भर्ती है। राज्य सरकार पीड़ितों के प्रति है, पूरी तरह सतर्क है, उनको हर संभव सहयोग करेंगे। माननीय ऊर्जा मंत्री स्वयं आए थे और हर संभव सहायता की बात उनके द्वारा भी कही गई है। एनटीपीसी स्वयं इस पूरे प्रकरण की जांच करवा रही है, भारत सरकार को उपक्रम है, वहां से जांच होगी, जांच होने के बाद जो भी आवश्यक होगा राज्य सरकार उसमें। सर एक बाहरी जांच की बात आ रही है कि एनटीपीसी में हादसा हुआ, वही जांच करेंगे, विपक्ष ने मांग की वहाँ के लोगों ने मांग की। ऊर्जा मंत्री भारत सरकार स्वयं मौके पर आए थे, उन्होंने सारी चीजों को वस्तुस्थिति को देखा है और उस पर वही निर्णय भी ले रहे हैं और उन्होंने जांच के आदेश दिए।